अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तबीयतें भी बेहतर हो रही हैं। आयाज तो माशाल्लाह से ठीक ही है, लेकिन मेरी तबीयत जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही है। ठीक है जी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जो है वो व्लॉग अपलोड किया है, जिसका मैं लिंक यहाँ पर ऐड कर दूंगी। आपने अगर अब तक नहीं देखा तो जाएं पहले वो देखें, फिर ये वाला व्लॉग देखिएगा, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो आज मैं व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ। नाश्ता किया, उसके बाद मुझे ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम करना था। इवन तो आज मेरी छुट्टी है, आज मंडे है, लेकिन वो काम निपटाया, इम्पॉर्टेंट था। अब ये जो धुली हुई लॉन्ड्री है ये रखी हुई इधर, मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से यही बेडशीट बिछी हुई है, तो बेडशीट चेंज करती हूँ। ये जो कपड़े हैं ये समेटती हूँ। इसके अलावा दरअसल मुझे एक लोड लॉन्ड्री का भी निकालना है। आप भी कहते होंगे कितनी लॉन्ड्री करती हो साइमा, बस क्या करें, हर दिन के हमारे दो कपड़े होते हैं, एक ऑफिस जाने के लिए और एक जो हम वर्कआउट के लिए पहनते हैं। तो ये देखें, ये पूरी बकेट भरी हुई है, फिर कुछ कपड़े इसके अंदर भी हैं, तो और ये टॉवल्स भी जो हैं, इनमें से टॉवल्स को भी धोना है। तो जब तक मैं अंदर का सारा काम करूँगी तब तक ये चल के ख़त्म हो जाएगी। तो इसी तरह जो है वो मल्टी टास्किंग होती है, तो मल्टी टास्किंग करते हैं, ये लोड डालती हूँ, उसके बाद फिर मैं दूसरा कोई काम करती हूँ। अयाज जो है आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको पता ही है। अरे मक्खी बाहर जाओ, चल बेटा चल, बाहर नहीं जा रही, फिर भी देखो बाहर नहीं गई, फिर भी अंदर ही है। अयाज जो है वो आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मंडे को वर्क फ्रॉम होम ही करता है। और ये सारे काम निपटाने के बाद मुझे नाश्ते के बर्तन रखे हुए, ये धोने हैं। फिर दरअसल ये जो इतने दिनों का फ्रूट रखा हुआ है ना, ये देखो ख़राब होना शुरू हो गया, देख रहे हो। इवन ऑरेंजेस भी जो हैं वो अजीब से होने शुरू हो गए। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल रॉट कर जाए, क्योंकि इनकी बना लूँ मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ, ठीक है ना, थोड़ी सी चाट मसाला वगैरह डाल के खा लेंगे। और फिर देखती हूँ और कोई नया काम, आई एम प्रीटी श्योर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा ये सारे काम खत्म करने के बाद। तो चलो पहले ये मैस निपटाते हैं, फिर कुछ और करते हैं। कैमरा में लगाती हूँ ट्राईपॉड के ऊपर, यार मेरा छोटा, अच्छा ये रहा, ये रहा ट्राईपॉड। अच्छा बाय द वे इसमें भी मुझे पानी भरना, स्टीमर में पानी नहीं भरा जब से हम लोग शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, तो उस वजह से ये यूज़ ही नहीं हो पा रहा, जबकि ये यूज़ करना ज़्यादा कन्वीनियंट है इस तरीके यूज़ करने से। तो ये रहा मेरा ट्राईपॉड, मैंने बिन हाशिम से ख़रीदा था। तो इसके ऊपर सेट करती हूँ कैमरा, फिर ये कमरे के जो काम है ये निपटाते हैं, फिर किचन में चलते हैं। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आज क्यों ना कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। ये सफाई सुथराई और ये घर के काम काज ये सब तो हम हर रोज़ करते हैं, तो ये तो चले मैंने रिकॉर्ड किया था, तो मैंने कहा एज अ वीडियो लगा देती हूँ मेरा। लेकिन एक्चुअल मकसद जो था ना ये वीडियो बनाने का, वो था आपसे एक स्टोरी शेयर करना, और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपली पुट आउट करने की कोशिश करना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम औरतें जो हैं उनको ये फिल्मों, ड्रामों, सोशल मीडिया ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है और करके पोर्ट्रे किया हुआ है कि पता नहीं औरत कितनी कोई कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है, कितनी कोई कॉम्प्लिकेटेड हस्ती है या शख्सियत है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो सच है वो उसके बिल्कुल अपोज़िट है। तो मैंने कहा कि बींग अ वुमन मुझसे बेहतर एक औरत को एक्सप्लेन तो कोई और नहीं कर सकता। तो थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस व्लॉग मैं एक छोटी सी ये एफर्ट कर रही हूँ ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मे भी थोड़ा सा चेंज करने की, कि जो औरत है ना वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सीधी सादी सी है। उसको दुनिया में सिवाय कुछ चीज़ों के और कुछ नहीं चाहिए होता, और वो कुछ चीज़ें क्या होती हैं जी, वो होती हैं प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और एक अच्छा रवैया और एक्नॉलेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्नॉलेजमेंट उन सारे एफर्ट्स की, उन सारी मेहनतों की जो वो करती है अपने घर को संवारने में, बनाने में, एक 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 तिनका जोड़ के जो है वो घर बनाती है, सजाती है और फिर मेक श्योर करती है कि उसको टिप टॉप रखे हर वक्त, के उसकी जो है ना मियाँ की या ससुराल वालों की किसी के सामने नाक ना कटे या बातें ना सुननी पड़े कि तुम्हारी बीवी तो घर भी नहीं संभाल सकती
और हर जगह बस उसकी वाह वाह हो, अच्छे अच्छे खाने बनाती है, बच्चों को साफ़ सुथरा सा रखती है, उनकी तरबियत पे फोकस करती है, टाइम लगाती है, इन सब के दरमियान ना वो अपने आप को कहीं बहुत पीछे छोड़ देती है, कहीं बहुत पीछे छोड़ देती है। और उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं ना लाइफ में, पहले जब शादी से पहले उसकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि मैं अपने माँ बाप के लिए कभी भी दुख या गम का जो रीज़न है वो ना बनूँ, और उनकी इज़्ज़त को कायम व दायम रखूँ, और उनके फ़ख्र का ही हमेशा जो है ना रीज़न रहूँ, और अपने भाइयों, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखूँ, उनकी मदद करूँ जितनी कर सकती हूँ, और एक अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट करूँ उनके लिए। और शादी के बाद उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो बन जाती हैं उसके मियाँ, उसके बाद मियाँ के घर वाले, देन बच्चे, तो इन सब के बीच में वो बेचारी कहीं अपने आप को लूज़ ही कर देती है कि मेरी अपनी शख्सियत कहाँ है, मैं क्या सोचती हूँ, मेरी सोच इन सारे रिश्तों से इन्फ्लुएंस्ड है या मेरी अपनी भी कोई शख्सियत, कोई पर्सनालिटी है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी अपनी जो पर्सनालिटी है ना उसको लूज़ ना होने दिया जाए, उसको प्यार दें, मोहब्बत दें। अरे औरत तो इतनी सिंपल है कि अगर कभी आप उसको सिर्फ जो उसने कई घंटे लगा के किचन में खाना आपके लिए तैयार किया ना, जो कि रोज़मर्रा की बेसिस पे हम औरतें करती हैं, आप उसको सिर्फ पलट के इतना बोल देना कि आज खाना बहुत ही मज़ेदार था, लगता है कुछ डिफरेंट ट्राई किया है तुमने, या आज खाने की तो क्या ही बात थी, थैंक यू बेगम, तो मेरा यकीन माने, मेरा यकीन माने उस बंदी का खून जो है ना वो 2 किलो बढ़ जाता है सिर्फ ये एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट सुन के कि मैंने वो जो 4-5 घंटे लगाए किचन में गर्मी में खड़े होके वो ज़ाया नहीं गए क्योंकि खाना तो हम हर रोज़ खाते हैं लेकिन हम एक्नॉलेज नहीं करते, हम कुछ लफ्ज़ बोल देना तो उनका पूरा दिन बन जाता है कि हाँ यार बस मेहनत वसूल हो गई तो औरतें तो इतनी सिंपल हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चों की को अच्छा फ्यूचर देने के लिए, एक अच्छी तरबियत देने के लिए उनके ऊपर निछावर कर देती हैं अपने आप को। एंड आई टोटली गेट इट कि ये सब कुछ सिर्फ एक हाथ से नहीं होता, इसमें जो मियाँ हैं या मर्द की जो रोल है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंस औरत की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैं उसी के ही रोल्स की बात करूँगी और उसी पे ही फोकस करूँगी। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि औरत को कॉम्प्लिकेट ना करें, वो अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से, बहुत नज़ाकत के साथ बनाया है उसको, तो उसको जो है ना वैसे ही प्यार से, इज़्ज़त से आप रखें और उसकी एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करें, कभी उसको भी ट्रीट दें, कभी उसको भी बाहर लेकर जाएं, उससे भी पूछें हमारी पसंद का खाना तो हर रोज़ ही तुम बनाती हो, आज क्यों ना तुम अपनी पसंद का खाना बनाओ और हम सब खाएं। सोचें आप ये कितनी, देखो सोचने को कितनी छोटी बात है लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, वर्ल्ड वाली भी है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना हम औरतों को बहुत कुछ कर देती हैं। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक औरत बिल्कुल भी एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बहुत ही सीधी सादी सी इंसान है। तो यहाँ पर आई होप कि मैं कुछ सेंस बना पा रही हूँ। तो मेरे इतने लंबे चौड़े दिन के बाद जो है अयाज मुझे यहाँ पर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आया और यकीन जाने मेरी वो सारी थकन उतर गई, इतनी सिंपल होती हैं औरतें। चलें व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। तो लोग यहाँ आए आइसक्रीम खाने के लिए, जबकि मेरा गला बिल्कुल अलाव ही नहीं कर रहा है कि मैं कुछ खाऊँ इस तरह का ठंडा, लेकिन दिल तो अच्छा है जी, ये अब खाने के बाद पता वेरी गुड, वेरी गुड।